हाँ तो बच्चों ये है 11th क्लास की पोइम, 11th क्लास की पोइम है और इसको ये पोइम का नेम है चाइल्डहुड और इसको लिखा है मार्कस नेटन ने। तो मार्कस नेटन का जो ये लिखा हुआ एक वर्क है, पोइम है, आइए हम इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि पोइट कहता है कि मेरा बचपन कहाँ गया। When did my childhood go? अरे मेरा बचपन कब गया। When कब did my childhood go? अरे मेरा बचपन कब गया। अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसके पास वो बचपन की खेल कूद नहीं है अब उसके पास, इसलिए कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day? क्या यह वो दिन था जब I ceased to be 11, जब मैंने 11 का होना, जब मैंने 11 का जो 11 का जो ये 11 ईयर ओल्ड होना बंद कर दिया, अर्थात जब मैं 11 साल का हो चुका था, उसके आगे उससे आगे नहीं हुआ, यानी कि 12 साल की एज में जाते ही उसका बचपन चला गया। क्या ये वो दिन था? वाज इट द टाइम या वाज इट द डे आई सीज्ड होता बंद कर दिया टू बी 11। वाज इट द टाइम क्या ये वो समय था जब आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया दैट कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। क्या यह वो दिन था, क्या यह वो समय था जब आई रियलाइज्ड महसूस किया, एहसास हुआ कि हेल नर्क हेवन स्वर्ग कि नर्क और स्वर्ग जो है कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, जियोग्राफी बुक में जो है स्वर्ग नर्क नहीं ढूंढे जा सकते। एंड और देर फॉर इसीलिए, एंड और देर फॉर इसीलिए कुड नॉट बी और ये हो भी, इसलिए हो भी नहीं सकते। क्या मैंने ये सोचा तभी मेरा बचपन चला गया था कि बचपन में स्वर्ग नरक के बारे में जो बताया जाता था ना वही मैं मान लेता था एक पॉइंट। लेकिन क्या जब उसने ऐसा सोचा कि ऐसा नहीं होते हैं, इनको जियोग्राफी में नहीं है, ये जो जियोग्राफी की पुस्तक में नहीं है, क्या तभी इसने ऐसा सोचा? तो क्या तभी जब ऐसा सोचा क्या तभी वो बचपन चला गया था? वाज इट द डे क्या यह वो दिन था? व्हेन माय चाइल्ड गो जब कहता है कि यही वो दिन था दैट वो क्या यही वो दिन था क्या ये वाज दैट द डे क्या यही वो दिन था क्या व्हेन माय चाइल्ड गो जब मेरा बचपन चला गया था या मेरा बचपन कब चला गया। व्हेन डिड माय चाइल्ड गो मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम क्या यह वो समय था जब आई रियलाइज दैट जब मैंने रियलाइज किया महसूस किया दैट कि एडल्ट्स होता है वयस्क लोग या ये कहें कि जो बचपन से बहुत दूर जा चुके लोग, क्या वयस्क लोग वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी सीम्ड प्रतीत तो होते थे। क्या ये वह समय था जब मैंने ये रियलाइज किया कि जो एडल्ट्स होते हैं वयस्क लोग होते हैं वो सब वैसे प्रतीत होते हैं जो वैसे प्रतीत होते थे। दे टॉक्ड और वे बातें करते थे ऑफ लव एंड प्रचंड प्रचार करते थे ऑफ के बारे में, टॉक्ड बातें करते थे ऑफ के बारे में, प्रचंड प्रचार करते थे ऑफ के बारे में, जो वे कहता है जो और वे कुछ ऐसा प्रतीत होते थे कि जो एडल्ट्स जो वैसा वैसे नहीं थे जैसा कि वे सब प्रतीत होते थे। दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी क्या ये वो क्या यही वो दिन था जब मैंने ये देखा कि भाई जो वयस्क लोग हैं वो वैसे नहीं थे जैसा वो लगते थे प्रतीत होते थे। वे प्यार प्रेम के बारे में बातें करते थे और प्रचार करते थे बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली लेकिन इतना लविंगली इतना प्यार से वो काम नहीं किया करते थे, इतने प्यार से वो एक्शन नहीं किया करते थे अपने लाइफ में। क्या यही वो दिन वाज दैट द डे क्या यही वो दिन था। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया। Was it when? क्या यह वो दिन था, क्या यह वो समय था जब I found my mind was really mine, mind मेरा। क्या ये क्या मेरा बचपन जाने वाला समय वही था क्या जब मैंने जो अपना खुद का दिमाग को मैंने खुद का पाया, वास्तव मेरा खुद का पाया, अर्थात कोई मुझे कहे तो मैं नहीं मानता, अपने तर्क के हिसाब से मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ। क्या ये काम ये जब मैंने ऐसा करना शुरू किया क्या तभी मेरा बचपन चला गया था क्या। प्रोड्यूसिंग थॉट्स और जब मेरा कहता टू यूज़ एक लाइन ऊपर टू यूज़ प्रयोग करने के लिए विच एवर जो कोई भी रास्ता आई चूज मैं पसंद करता हूँ उसको प्रयोग करने के लिए प्रोड्यूसिंग जो कहता है कि क्या यह वही समय था क्या वाज इट वेन क्या ये वो समय था क्या जब आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड के मेरा दिमाग वास्तव मेरा दिमाग था इसका प्रयोग करने के लिए जैसा मैं चाहूँ आई चोज मैं चाहूँ जिस प्रकार से वाट एवर जिस किसी जिस प्रकार से वाट एवर वे जिस प्रकार से भी मैं इसको यूज करना चाहूँ
मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। जब मैंने अपना माइंड को इस प्रकार का पाया कि यही वो मेरा जो दिन था जिस दिन, या यही वो समय था या दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया था, मेरा ऐसा माइंड जो प्रोड्यूसिंग थॉट्स, जो विचार पैदा कर रहा था, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। मेरे दिमाग जब ऐसा विचार पैदा कर रहा था, प्रोड्यूसिंग होता पैदा कर रहा था, और मेरा विचार ऐसा ऐसे विचार पैदा करते हुए कि जो विचार दैट जो दैट दोज ऑफ के वाली, जो अन्य लोगों के विचार नहीं थे, मेरे खुद के विचार थे, बट माई ओन एंड माई अलोन, मेरे खुद के ऑन माई ओन, मेरे खुद के और माई अलोन, माइन अलोन, मेरे अकेले के विचार थे। वॉज दैट द डे, क्या यही वो दिन था? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया? आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट यह है, मेरा बचपन जो है ना वेंट चला गया था टू सम फॉरगॉटन प्लेस। और ये मेरा जो बचपन का जो दिन है, जो मेरा बचपन है, या मेरे बचपन के जो दिन है, खुशियों के जो दिन है, उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरा बचपन का जो है, मेरे बचपन का जो समय है या बचपना है या मेरा बचपन है, वो किसी फॉरगॉटन होता भूले बिसरी जगह पर चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट होता शिशु, छोटा बच्चा, और वह किसी छोटे बच्चे के फेस में जाकर के छिप गया है। हिडन होता छिपा हुआ। दैट्स ऑल आई नो, यही वो सब है जो मैं जानता हूँ उसके बारे में। आज ये पोईम इतनी थी, आज के लिए इतना ही। 11th क्लास की पोईम है, आपको मेरे ख्याल से तरह समझ में भी आई होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें जो है अच्छे तरह देख सकते हैं, दो बार चला कर देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली भी कोई बात कोई पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए याद ही। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको पहले से पता चल जाता है कि वीडियो आ चुकी है, यहाँ व्हाट्सएप पर डालने से पहले पता चल जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।